स्टूडेंट, मैं भी उपाध्याय विजुअल फिट कंप्यूटर डिजाइन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ स्टूडेंट। आज हम फिर एक नई टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक अकाउंट्स यानी स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है मेंटेन बिल बाइज डिटेल फॉर नॉन ट्रेडिंग आल्सो अकाउंट्स। यानी ये अकाउंट्स यानी बिल बाइज मेंटेन करने के लिए आपको टैली में किस किस ऑप्शंस का इस्तेमाल करना है और कैसे करना है। तो ये वीडियोस बहुत ही ज्यादा डिटेल्स और काफी बड़ा है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा कि हर ऑप्शंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स का यूज टैली में कैसे करना है। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं, टैली में मेंटेन बिल वाइज डिटेल फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स आल्सो की जर्नल एंट्री करने का सही तरीका क्या होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें जाना होगा F11 फंक्शन की में। यहाँ पे F1 फंक्शन में F1 की प्रेस करेंगे तो आपको अकाउंटिंग फीचर्स मिलेगा। उसमें आपको यूज करना है आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, जिसमें आपको इस्तेमाल करना है मेंटेन बिल वाइज डिटेल फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स आल्सो का यूज करना है। स्टूडेंट, इसका डिफिनेशन आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे मेंटेन बिल वाइज क्या होता है उसका डिफिनेशन, मेंटेन बिल वाइज डिटेल हैंस कैन बी यूज टू ट्रैक द डिटेल ऑफ एनी ऑलरेडी मेड ऑफ ड्यू पेमेंट एंड आल्सो टू जनरेट पेबल आर रिसीबल रिपोर्ट विद द मिनिमम एफर्ट। हाउ टू एक्टिवेट गो टू गेटवे ऑफ टैली द प्रेस F11 अकाउंटिंग फीचर सेट यस टू मेंटेन बिल बाय डिटेल फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट आल्सो। एंड पैरा चेंज करते हैं, इफ वी वांट टू मेंटेन अकाउंट्स फॉर नॉन ट्रेडिंग लेजर देन वी हैव टू एक्टिवेट ऑप्शन बिल बाइज डिटेल फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स। यूजिंग दिस ऑप्शन वी कैन मेंटेन स्टॉफ लोन लोन एंड एडवांस बैंक ओडी बैंक ओसीसी लोन रिसीबल लोन पेबल एडवांस अगेंस्ट सैलरी एजुकेशन लोन एसेट्रा। तो स्टूडेंट, इसका डेफिनेशन हिंदी में देखें, बिल वाइज विवरण का उपयोग किसी भी पहले से देय या भुगतान का विवरण को ट्रैक करने के लिए किया जाता है और न्यूनतम प्रयास के साथ भुगतान का प्राय रिपोर्ट उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है। कैसे सक्रिय करें, टैली के गेटवे ऐप में जाएं, प्रेस F11 अकाउंटिंग फीचर्स सेट करें और उसमें मेंटेन बिल वाइज नॉन ट्रेडिंग ऑप्शन के लिए यस करें। अगर हम नॉन ट्रेडिंग लेजर्स के लिए भी खाते बनाने रखना चाहते हैं तो हमें नॉन ट्रेडिंग खाते के लिए विकल्प बिल वाइज विस्तार को सक्रिय करना होगा। इस विकल्प का प्रयोग करके हम कर्मचारी का ऋण ऋण और अग्रिम बैंक आयु डिपो बैंक ओसीसी प्राय देय वेतन के विरुद्ध अग्रिम शिक्षा ऋण के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्यूशन इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, बिल बाई के साथ आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इस बिल बाई का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे मेंटेन में। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपके सामने है कि मैं सैमसंग मोबाइल C120 पीस फॉर एट द रेट 4900 एंड नोकिया मोबाइल 6620 पीस एंड 500 फ्रॉम नीलकंठ नीलकंठ से ये सामान मुझे खरीदना है, जिसकी बिल नंबर है 00 यानी ट्रिपल यानी ये 00100 है इसका बिल नंबर। इस बिल पे मुझे खरीदना है और जिसको मुझे खन्ना इलेक्ट्रॉनिक को बेचना है और जो अलग अलग बिल नंबर पे अलग अलग क्वांटिटी के साथ इनको बेचा गया, जैसे बिल नंबर 002 001 02 एंड 003 एंड 004 एंड 005। इन तीन इनका बिल कैसे मेंटेन कीजिए। आई स्टूडेंट, सबसे पहले चलते हैं हम लोग टैली पे। तो टैली पे आ गए स्टूडेंट, हम लोग वहां पे एक कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी उसी नाम से बनाएंगे जिस नाम से हमें काम करना है, एंड बिल वाइज के नाम से मैंने कंपनी बना दिया। ओके स्टूडेंट, एंटर एंड बकिया एंटर जैसे आप करते आ रहे हैं एंटर कर दीजिएगा। यहाँ पे इंडिया स्टेट कंट्री जैसे आप फिलअप करते हैं उसी तरह फिल करके आप सेव कर दीजिएगा। ये आपका कंपनी रजिस्टर्ड हो रहा है। इसके बाद स्टूडेंट F11 फंक्शन की प्रेस कीजिएगा और पहला आपको अकाउंटिंग फीचर्स आपको दिख रहा है वहां पे आपको जाना है, वहां पे एंटर करेगा
और अकाउंटिंग फीचर्स में मैंने जो ऑप्शंस यानी यहाँ पे लिखे हैं, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना। आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले मेंटेन बिल बाइज डिटेल फॉर नॉन ट्रेडिंग आउट्स अकाउंट का यूज करना है। तो अभी स्टूडेंट हम पहले जानेंगे मेंटेन बिल बाइज का यूज क्या है। तो यहाँ पे मेंटेन बिल बाइज को यस करेंगे। यस करने के बाद बच्चा सारा ऑप्शन आप नो करके सेव करा लीजिएगा यहाँ पे। ये सेव करने के बाद स्टूडेंट एक बार इन्वेंट्री को भी चेक कर लीजिएगा, उसमें कोई ऑप्शन आपके अलावा कोई यस तो नहीं है, और F3 को भी चेक कर लीजिएगा। ये तीनों सेव चेक करने के बाद फिर स्टूडेंट हमें किससे माल खरीदना, किसको बेचना है, उनका एक लेजर जनरेट करना होगा। तो वापस स्टूडेंट हम पहले चलते हैं क्वेश्चन पे, यानी आपके सामने ये क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टूडेंट मुझे खरीदना है किससे, नीलकंठ इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदना है, जिसका बिल नंबर है बिल नंबर है 1000। तो इनका पहले सबसे पहले लेजर बनाना है। यहाँ पे लेजर जाएंगे, क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे लेजर का नाम मुझे नीलकंठ कर देना है। नीलकंठ इलेक्ट्रॉनिक, नीलकंठ इलेक्ट्रॉनिक लेजर दे दिया स्टूडेंट, इंटर कर दिया। यहाँ पे सिंडिकेटर्स खरीदना है मुझे और इंटर कर दिया। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले मेंटेन बिल वाइज डिटेल का ऑप्शन आएगा, जिसके नीचे लिखा है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। तो मैंने बिल वाइज को यस करना है, यहाँ पे यस कर लीजिएगा। और डिफॉल्ट क्रेडिट डेज का मतलब कि जैसे मैं नीलकंठ से खरीद रहा हूँ, तो नीलकंठ ने मुझे 1 महीने की क्रेडिट दिया हुआ है, यानी 30 दिन का क्रेडिट मैंने दिया हूँ, 30 दिन यहाँ दिख दिया मैंने, इंटर करिएगा स्टूडेंट। फिर नीचे लिखा है चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग बाउचर एंट्री, यानी हर चेक की एंट्रीज आपको जनरेट करना है, यस कर दीजिएगा। और यस करने के बाद आप इसको सेव करा लीजिएगा। नाम पता अगर आप चाहते हैं तो पार्टी का डाल सकते हैं। और इसके बाद एक परचेज का लेजर बनाएगा स्टूडेंट, अगर स्टॉक के साथ करना है तो, हम स्टॉक के साथ करना चाहते हैं तो परचेज का लेजर बना लिया और इसको परचेज भी डाल लिया। जैसे यहाँ पे आपको पता है कि इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड को यस करना है, इसको यस करा के सेव करा लीजिएगा अगर स्टॉक के साथ मेंटेन करना है तो। वापस स्टूडेंट हमें किसको बेचना है, हमें बेचना है खन्ना इलेक्ट्रॉनिक को। खन्ना इलेक्ट्रॉनिक को यानी इनको है, ये सारा आइटम इनको खन्ना इलेक्ट्रॉनिक को अलग अलग डेट पे बेचा गया। 20/4 को बेचा गया, 22/4 को बेचा गया है, 23/4 को, 24/4 को और 25/4 को बेचा गया, यानी 5 बार इनको बेचा गया है एक ही पार्टी को। तो चलिए पहले खन्ना इलेक्ट्रॉनिक का एक बिल बना लिया जाए। यहाँ पे खन्ना इलेक्ट्रॉनिक का एक बिल बन रहा है स्टूडेंट, ये हमारे लिए सन्ड्री डेप्टर्स में जाएंगे खन्ना इलेक्ट्रॉनिक, और यहाँ पे बिल नंबर यस करेगा। उसी तरीके से मैं खन्ना इलेक्ट्रॉनिक को भी बेच रहा हूँ, इनको भी 13 डेज का क्रेडिट दे रहा हूँ। यहाँ पे 30 दिन डाल दिया और यहाँ पे ड्यूरिंग एंट्री यस कर दीजिएगा और सेव करा लीजिएगा स्टूडेंट। सेव कराने के बाद आपको सेल्स का अकाउंट एक बनाना होगा, सेल्स अकाउंट यहाँ पे बना लीजिएगा और इसको सेल्स अकाउंट में डाल दीजिएगा। इसको भी आप इन्वेंट्री वैल्यू जानते हैं, यस कर लीजिएगा और सेव करा लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, इनके बाद मुझे वापस आप स्केप कर लीजिएगा और एक इन्वेंट्री में चले जाएगा। मुझे क्या क्या चीज़ खरीदना और बेचना, उनका स्टॉक आप जनरेट कर लीजिए। वापस स्टूडेंट आप देख लीजिएगा मुझे खरीदना क्या है, ये सैमसंग मोबाइल मॉडल नंबर C100 खरीदना है और नोकिया मोबाइल मॉडल नंबर ये खरीदना है। इसका स्टॉक भी बना लेते हैं स्टूडेंट, तो सैमसंग पूरा लिख देते हैं यहाँ पे, सैमसंग मोबाइल। ये आइटम आपको बताया गया था स्टॉक में पहले कि कैसे स्टॉक बनाना है, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो इसको देख लीजिएगा। सैमसंग मोबाइल क्या है, मॉडल नंबर C100 यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट, मॉडल नंबर एंड C100 एंटर करेगा स्टूडेंट। यहाँ पे आपको पता है कि अंडर में क्या डालते हैं, कंपनी नाम अल्ट्रा सी से हम डायरेक्ट कंपनी का नाम डाल देते हैं, सैमसंग कंपनी PBT डाल देते हैं स्टूडेंट। सेव करा लीजिएगा, क्वांटिटी यस कर लीजिएगा एंड अल्ट्रा सी से पीसेस बना लीजिएगा स्टूडेंट, पीसेस को सेव करा लीजिएगा और इंटर करके सेव कर लीजिएगा। दूसरा आइटम हम लोग स्टूडेंट कि क्या खरीदना है, नोकिया नोकिया मोबाइल मॉडल नंबर एंड 6600 6600 से डाल दिया स्टूडेंट। यहाँ पे भी आप कंपनी का नाम अल्ट्रा सी से डाल सके, नोकिया मोबाइल मोबाइल मॉडल नंबर 6600 ये डाल दिया स्टूडेंट, इंटर करके इसको भी आपने क्वांटिटी बनाकर सेव कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट हम लोग क्या खरीदना है क्या बेचना है उनका लिस्ट बना दिया है। अब आइए चलते हैं हम लोग बिल बनाते हैं और क्वेश्चन पे वापस चलते हैं हम लोग स्टूडेंट। क्वेश्चन पे हम चलते हैं, खन्ना इलेक्ट्रॉनिक से खरीदना है, ये नीलकंठ से खरीदना है और ये इनका बिल नंबर है। तो वापस हम लोग स्टूडेंट चलते हैं खन्ना पे और यहाँ पे अकाउंटिंग बाउचर में चलते हैं, अकाउंटिंग बाउचर में F9 करते हैं और ऊपर देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से लिखिएगा सप्लाई इनवाइस नंबर लिखा है, तो सप्लाई इनवाइस नंबर की जगह आपको बिल नंबर लिखना है। तो यहाँ पे बिल नंबर हमारा क्या लिखा है, परचेज बिल नंबर ये 1000 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं परचेज, यानी आप पूरा लिख दिए, शॉर्ट लिखिए, जैसे आपको इच्छा वैसे लिखिएगा स्टूडेंट। परचेज बिल नंबर, परचेज मान लीजिए शॉर्ट में लिख दिया मैंने, परचेज बिल नंबर एंड 1000 ये लिख दिया स्टूडेंट। ये हमारा बिल नहीं है, ये जहां से मैं खरीद रहा हूँ उस दुकानदार का बिल नंबर है, ध्यान रखिएगा।
एंड इंटर। बगल में स्टूडेंट ये जो डेट दिखाई देगा ये उस दिन का डेट है जिस दिन से मैंने जिस दिन इस दुकान से मैंने खरीदा था। अगर कभी होता है कभी दूर से माल आता है तो दूसरे दिन रिसीव होता है, जिस दिन रिसीव होता है उस दिन का डेट हम लोग यहाँ डालते हैं, लेकिन जो डेट यहाँ पड़ा है ये पार्टी का डेट होता है। तो सेम डेट हम डाल रहे हैं स्टूडेंट। और किसी खरीदना मुझे नीलकंठ से, एंटर कर दिया और एंटर करके 1 रुपीज यहाँ डाल दीजिएगा, एंटर। ये 4 ब्लॉक आपके सामने स्टूडेंट आएगा, ये ध्यान देखिएगा। जब बिल बाई ये तो 4 ब्लॉक आएगा। इसमें पहले ब्लॉक है नी रेफरेंस। न्यू रेफरेंस का मतलब जब भी नई बिल बिल बनाएंगे किसी भी पार्टी का खरीदेंगे या बेचेंगे, तो अभी हम परचेज कर रहे हैं तो न्यू बिल में जैसे मैं यहाँ बिल नंबर लिखा था ऑटोमेटिक इंटर करने पे वो बिल यहाँ प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि परचेज बिल में ऑटोमेटिक यहाँ बिल प्रिंट हो जाता है, यानी वहाँ पे राइट करने पर। देखिए बिल आ गया ना, इंटर करेगा 13 डेज। अब वैल्यू तो नहीं पता है, इंटर करेगा स्टूडेंट, परचेज स्पेस दबा देगा। क्या खरीदना है यहाँ पे, हमें पहले सैमसंग मोबाइल खरीदना है। अब वापस हम क्वेश्चन में जाते हैं स्टूडेंट, कितना खरीदना है मुझे, 20 पीस 4,900 का। वापस हम यहाँ पे 20 पीस लेते हैं और एक पीस का दाम है 4,900, एंटर करिएगा, फिर स्पेस दबाइएगा स्टूडेंट। दूसरा नोकिया खरीदना है, इसका रेट देखिए कितना है आपका 20 पीस, इसको भी लेना है 5,500 का, ये है आपका। तो मैंने यहाँ पे 20 पीस डाल दिया और 5,500 का इसका रेट डाल दिया। टोटल बिल हमारा कितने बन गया, देखिए 2,08,000 का बन गया स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे लिखा है ना 2,08,000 का, यहाँ पे जो कि एक ही मिसेज है, 2,08,000 का बिल बना दिया यहाँ पे। तो टोटल आप बैक स्पेस से जाएगा स्टूडेंट, वहाँ पे 2,08,000 रुपये का अमाउंट डाल दीजिएगा, एंड 2,08,000। देखिए डेबिट क्रेडिट का अमाउंट सेम होगा, इंटर करके आप सेव कराएगा स्टूडेंट, ये सेव करा लीजिए। ये आपका पहला बिल आपका बन गया स्टूडेंट। बिल बनने के बाद अब मुझे बेचना है स्टूडेंट, अब किसको बेचना है, खन्ना इलेक्ट्रॉनिक को बेचना है। खन्ना इलेक्ट्रॉनिक बेचने के लिए एफेड करिएगा। एफेड करने के बाद देखिए यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर लिखा होगा आपको डायरेक्ट प्रिंट नहीं करेगा, वहां पे आपको टाइप करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो अभी हमने मेनुअली कर रहे हैं, हमें किसको बेचना है, खन्ना को। खन्ना को एंटर करिएगा और एंटर 1 रुपीज डालेंगे। और ये देखिए न्यू रेफरेंस का मतलब जो बिल नंबर बेचना है यहाँ पे, न्यू रेफरेंस में नया बिल नंबर आपको डालना है। इनका बिल नंबर क्या, देखिए सेल बिल नंबर 001 है। तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस में हम लिखेंगे सेल, यानी शॉर्ट लिख दिया सेल बिल नंबर 001, एंटर करिएगा, एंटर 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 स्पेस इंटर करेगा। क्या क्या माल बेचना है सेलेक्ट कर लीजिएगा, सैमसंग अल्ट्रासी। हम कितना माल बेचना है, देखिए 5 पीस बेचना है और 5,400 को बेचना है, 1 पीस का दाम है। तो 5 पीस और 4,000 स्टूडेंट रेट देख लीजिएगा, 5,400 का है, 5,400 का आपने बेच दिया स्टूडेंट, इंटर करिएगा। 27,000 का देखिए स्टूडेंट, ये भी जो भी बिल है यहाँ दिख रहा है ना, टोटल 27,000 का पड़ा है। और दूसरा आइटम क्या बेचना है मुझे, इनको नोकिया बेचना है। तो नोकिया पे इंटर आते हैं स्टूडेंट, स्पेस दबाएगा और दूसरा आइटम आपको नोकिया मिल जाएगा। कितना पीस बेचना है आपको, 5 पीस बेचना है, यहाँ 5 पीस सेलेक्ट कर लीजिएगा। और रेट ऑफ वैल्यू कितना है इसका है आपका, 6,000 का। तो यहाँ पे रेट 6,000 रुपये आप डाल दीजिएगा स्टूडेंट, इंटर करिएगा। टोटल देखिए 5,700 यानी 57,000 का बिल बना है। यहाँ टोटल लिखा आपका डेबिट कार्ड में कितना निकला है, 57,000। तो आप यहाँ पे बैक स्पेस से डाल के वहाँ पे 57,000 रुपया डाल दीजिएगा, यहाँ पे 57,000 यहाँ डाल दीजिएगा। ये पहला बिल आपका स्टूडेंट बन गया, इस बिल नंबर पे आपने सेव करा लीजिए, ये आपने सेव कर दीजिएगा। वापस हम दूसरा बिल फिर बनाते हैं। देखिए दूसरा बिल इनको बेचा गया है ये 22,000 को। तो हम वापस आते हैं सेल के, हम यहाँ पे डेट नहीं चेंज कर सकते स्टूडेंट, क्योंकि परेसी है। तो हम वहाँ पे नरेशन में डेट डालेंगे, इंटर कर देते हैं, इंटर 1 रुपीज फिर से। और यहाँ पे बिल सेल बिल नंबर यहाँ लिखिएगा, सेल बिल नंबर 002, इंटर करिएगा स्टूडेंट, इंटर एंटर। स्टॉक वही करना है, हमें कितना पीस बेचना, देखिए दूसरा आइटम कितना पीस है, 4-4 पीस बेचता गया है और सेम रेट है। तो आपको बस क्वांटिटी यहाँ डाल दीजिएगा, ऑटोमेटिक रेट ले लेगा वो, एंड 4 पीस डाल दीजिएगा दूसरा आइटम, एंड 4 पीस कितने का बिका स्टूडेंट, 45,600 का बिका है। तो बैक स्पेस से जाकर आप यहाँ पे 45,600 का डाल लीजिएगा रेट, 45,600 डाल लीजिएगा और इंटर करेगा स्टूडेंट, इसे सेव करा लीजिएगा, ये आपका बिल बन गया। ठीक है, नरेशन में डाल सकते हैं किस बिल किस डेट पे बेचा गया, वैसे आप इंटर करेगा वापस आएगा। और हम तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा फिर बेचा गया इनको 23,000 को बेचा गया है और 3-3 पीस बेचा गया है और बिल नंबर है 003। तो वापस स्टूडेंट आते हैं, फिर हम खन्ना को सेलेक्ट करते हैं और करते हुए जाते हैं 1 रुपीज, एंटर एंटर, एंड सेल बिल नंबर 003, इंटर करते चल रहे हैं, इंटर स्पेस। हर आइटम वही 3-3 पीस बेचना है, सेम आइटम इंटर करेगा, 3 पीस डाल लीजिएगा, रेट ले लेगा ऑटोमेटिक, आपको पता है। फिर स्पेस दबाएगा, फिर 3 पीस डाल लीजिएगा, ये 3 पीस। वापस बैक स्पेस से वहाँ पे रेट ऑफ वैल्यू टोटल डाल लीजिए स्टूडेंट, 1 रुपये में जहाँ पे डालते हैं 34,000
200 का बिल बन गया, इसको सेव करा लीजिएगा, ये आपका सेव हो गया स्टूडेंट। ओके, फिर अगला सेक्शन हमें किसको बेचना है स्टूडेंट, एंड तीसरा यानी चौथा बिल जो बनेगा सेम खन्ना को बेचना है, 22,400 का बिल बना हुआ है और दो दो पीस बेचा गया है, तो फिर हम इनको बेचेंगे एंड खन्ना को, इंटर एंड यहाँ पे 1 रुपीस आपको जैसे पता है, इंटर चौथा बिल है, यहाँ पे सेल बिल नंबर 004 डाल लीजिएगा, इंटर करते जाएगा, इंटर और हर आइटम आपको बेचना है स्टूडेंट, कितना पीस बेचना है इसको हमें, ये 2 रुपीस बेचना है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट आइटम डाल देंगे, ऑटोमेटिक रेट उठा लेगा, बस क्वान्टिटी डाल दीजिए 2 पीस एंड स्पेस इंटर 2 पीस इंटर, कितने बेचा, 22,800 का बिल बना है स्टूडेंट ये, तो यहाँ पे 22,800 रुपया डाल दीजिए, 22,800 इसको सेव करा लीजिएगा, ये आपका चौथा बिल बन गया। अब आखिरी बिल एक और बनेगा स्टूडेंट, जैसे मैं 5 बार इसको बेच रहा हूँ लगातार, 25 तारीख को बेचा गया है, एक एक पीस 11,400 का पड़ा हुआ है, फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ स्टूडेंट, खन्ना इलेक्ट्रॉनिक को सिलेक्ट किया, इंटर और इंटर किया, यहाँ पे सेल बिल नंबर 005 डाल दिया स्टूडेंट, इंटर करते जाएगा, इंटर स्पेस एक ही एक एक पीस बेचना है सभी आइटम 1 रुपीस, ठीक है 1 पीस, दूसरा भी आइटम 1 पीस, ये बेच दिया, टोटल पड़ा 11,400 का, देखिए नीचे आटा टोटल 11,000, तो यहाँ पे स्टूडेंट 11,400 रुपया डाल दीजिए, ये आपने सेल करा दिया, ये विदाउट इनवाइस बिल बन रहा है स्टूडेंट, इसलिए आपका टोटल है, लेसन एंड सेव कर लिया। तो मैंने स्टूडेंट इन चारों को यानी इनको 4-5 बार बेचा गया अलग अलग बिल नंबर में, अगर आपको डिटेल देखना है तो हम वापस जाएंगे स्केप से डिस्प्ले में जाएंगे, हमारे मतलब अकाउंट पे देखना है, डिस्प्ले में अकाउंट बुक और लेजर, इसको शॉर्ट फॉर्म DL करते हैं, तो हमें खरीदा किसको है, नीलकंठ से खरीदा हुआ है और बेचा किसको मुझे, खन्ना को बेचा गया स्टूडेंट, यही चीज़ आप शॉर्टकट तरीके से DAL करिएगा तो आप अकाउंट देख सकते हैं किसी पार्टी का, आप नीलकंठ पे देखेंगे, अब नीलकंठ का बिल स्टेटमेंट के साथ देखना है तो Alt+B करिएगा, Alt+B तो आपको दिखेगा आपका किस बिल पे खरीदा था और कितना उसको पेमेंट करना है। दूसरा मुझे नोकिया को देखना है, स्केप करेगा, वापस आप चलिएगा खन्ना पे, खन्ना पे इंटर करेगा, फिर Alt+B करेगा, इनका स्टेटमेंट मिल जाएगा, Alt+B से देखिए किस बिल पे आपने खरीदा गया है, ये स्टूडेंट है बिल के हिसाब से, अब इस बिल का मुझे पेमेंट कर, एक एक करके आप बिल का पेमेंट लेंगे, तो पेमेंट मुझे लेना है F6 करेंगे, F6 में रिसीव करेंगे आप, मुझे किसको बेचा है, खन्ना इलेक्ट्रॉनिक को, इंटर करेगा। अब स्टूडेंट इंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे जो खन्ना इलेक्ट्रॉनिक का यहाँ पे टोटल लिस्ट आ जाना चाहिए, मुझे किस बिल का पेमेंट करना है, अगर इसी जगह आप चाहते हैं कि बिल का लिस्ट आ जाए, किस बिल का मुझे पेमेंट मिल रहा है, तो आप क्या करना होगा, कुछ फंक्शन को एक्टिवेट करना पड़ता है, जैसे F12 दबा दीजिएगा, F12 दबाने पर आपको कुछ स्टेटमेंट मिल जाएगा कि हमें किस बिल का पेमेंट मिल रहा है, तो यहाँ पे लेजर का स्टेटमेंट यानी बिल का स्टेटमेंट का जो लेजर होता है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो टोटल आपका जो लेजर स्टेटमेंट होता है वो शो करता है किस किस बिल का मुझे पैसा मिल रहा है, वहाँ पे बिल डिटेल आपका यस ही रहेगा, और जो जो फंक्शन रहेगा उसके बाद आप जिसे इंटर करने पर, फिर देखिए जैसे मैं इंटर कर रहा हूँ स्टूडेंट, इंटर करने पर ये प्रोफार्मा तुरंत आ जा रहा है, इंटर करेंगे देखिए यहाँ पे हम खन्ना पे इंटर किए, खन्ना पे इंटर करने पर यहाँ पे AGST रेफरेंस का मतलब होता है एडजस्टमेंट, यानी कौन सा बिल का मुझे पेमेंट मिल रहा है, अगर यहाँ पे इंटर करेंगे स्टूडेंट, इंटर करने पर ये सारे बिल का लिस्ट आ जाएगा जिस बिल का पैसा आपको मिल रहा है, मान लीजिए मुझे पहला बिल मिल रहा है, इंटर करिएगा जिस बिल का पैसा मिल रहा है, या अगर इंटर करके सेव करा लीजिए कैश, इंटर एंड गिव, ये पहला बिल मुझे मिल गया स्टूडेंट, फिर दूसरा बिल मिल गया, फिर इंटर करिएगा इस पर और एडजस्टमेंट इंटर करिएगा, मान लीजिए दूसरा बिल भी आपको पेमेंट कर लिया, इंटर एंड सेव करा लीजिएगा, ये अगर मान लीजिए वो चारों बिल का पैसा इकट्ठा आपको दे रहा है तो फिर आप इंटर करके सारे बिल यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट, देखिए ये सारे बिल आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी एक एक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या आपको हमें यहाँ पर जैसे इंटर करिएगा, इंटर देखिए इंटर करेगा, फिर इंटर करेगा तो दूसरा एडजस्टमेंट करेगा, तो ऐसे एडजस्टमेंट का मतलब होता है एक एक बिल का पूरा पैसा आपको भुगतान हो जाता है, तो ये बिल सीरीज का इस्तेमाल होता है, ठीक है, यानी इसका एडजस्टमेंट करते हैं। और स्टूडेंट अगला इसमें ऑप्शन जो है, अगर कोई पार्टी हमें एडवांस पैसा देता है, एडवांस पैसा देता है तो उसका बिल कैसे बनाते हैं, सपोज कीजिए कि खन्ना से मुझे एडवांस मिला हुआ है, यानी खन्ना का बिल तो बना हुआ है तो मुझे खन्ना से एडवांस मिला है, कितना मिला है, तो जैसे एडवांस मिला है तो उसका एस्टिमेट इस्तेमाल करेंगे किसमें, एडवांस में, तो यहाँ पे एडवांस बिल नंबर अलग से जनरेट कर सकते हैं आप, तो एडवांस बिल नंबर यहाँ पे लिखेंगे एड बिल नंबर, यानी जैसे आप लिखना चाहते हैं अपना बिल नंबर वैसे लिखिए, एड बिल नंबर, मान लीजिए इसको नंबर डाल दिया मैंने 01, ये एड बिल नंबर, एंटर, कितना एडवांस मुझे मिला 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये जब आपको स्टूडेंट यानी किसी भी बिल के अगेंस्ट में अगर पैसा मिलता है तो पहला एडवांस करेंगे और रिसिप्ट में इसकी एंट्री हम पास करते हैं और इसकी एंट्री करके इसको सेव करा लेंगे, यहाँ पे लिखना होगा आपको बीइंग कैश
रिसीव बाय किस चीज के लिए मिला वो भी लिख दीजिए। मान लीजिए सैमसंग मोबाइल मॉडल नंबर एंड मॉडल नंबर, मान लीजिए आपका C100 है और इसकी कीमत लिख दीजिए वहाँ पे। मान लीजिए कीमत सपोज कीजिए एग्जांपल में डाल दिया 25,000 रुपये, तो 25,000 रुपये मोबाइल के लिए आपको 5,000 रुपये आपने जमा किया। ये इसकी एडजस्टमेंट में एंट्री दिखाते हैं, इसको बना के आप सेव कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट जिस दिन बिल लेने आएगा उसका बिल का पूरा डेट बनेगा, उसके लिए हम एफिड करेंगे और वापस बिल बनाएंगे उसका जब वो माल लेने आएगा। इंटर करिएगा और इंटर करके मान लीजिए मुझे 25,000 का एक बिल बना देते हैं जो मोबाइल के लिए वो एडवांस जमा किया था। तो जब भी आप नए बिल बनाएंगे हमेशा न्यू रेफरेंस पे बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगला बिल नंबर हम लोग यहाँ पे न्यू 00 यहाँ पे मान लीजिए 6 अगला सीरीज चलेगा। जो सीरीज नंबर आपने पहले डाला था उसी सीरीज नंबर को आप रिपीट करते चलिएगा, ध्यान से देखते चलिएगा सीरीज नंबर आपका गलत ना हो। इंटर एंड मान लीजिए सैमसंग मोबाइल हमारे पास ये जो है इंटर डाल दीजिएगा 1 पीस एंड 25,000 रुपये हम यहाँ इसका रेट है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ 25,000 डाल के सेव करा दीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट अगर अकाउंट देखना चाहेंगे तो आप DAL करेगा और नील खन्ना का स्टेटमेंट देखेंगे तो बिल के हिसाब से आपका जितना पुराना बिल था सब क्लियर हो चुका है। एक नई बिल है जिसमें नीचे दिख रहे 20,000 रुपये बकाया है, जब अल्टर बी करेंगे तो आपका बिल स्टेटमेंट मिल जाएगा जिसमें दिखाएगा कि एडवांस जमा हुआ था और क्या है जिसमें आपने ये बिल आपका 25,000 का था। और इस बिल को पूरा आप सेव कर लीजिएगा, यानी आपको जब जो रेफरेंस पैसा है वो देगा। इसके लिए आपको रिसीव करना होगा स्टूडेंट, F6 करेगा और किससे पैसा लेना है मुझे खन्ना से, और जैसे करेंगे तो एडजस्टमेंट कर एडजस्टमेंट आ जाएगा। एडजस्टमेंट में इंटर करेंगे वहाँ पुराना बिल पे इंटर, पहले एडवांस पे इंटर करेगा फिर वापस फिर एडजस्टमेंट में जाना है और आपको फिर आपको एडजस्टमेंट में जाकर इंटर करेगा तो जो 25,000 का बिल है जैसे आप 25,000 पे इंटर करेंगे तो जो उसका रेफरेंस पैसा है 20,000 वो नीचे बैलेंस में ले लेगा ऑटोमेटिक। इंटर करके इसको आप सेव करा लीजिएगा और ये है स्टूडेंट आपका एडवांस, यानी कि जब भी आपका एडवांस रिसीप्ट होगा यहाँ पे सेव कर लेंगे। अब देखिए जब स्टेटमेंट लिखेंगे अकाउंट हमारा DL करके तो खन्ना का और आपका हिसाब क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन हमारा खन्ना का नहीं है। अल्टर भी करेंगे और बिल स्टेटमेंट भी आपका पूरा खाली दिखाई देगा, तो ठीक है। तो ये था आपका एडवांस और नील रेफरेंस का इस्तेमाल करने का। लास्ट एक और देख लेते हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो इसके लिए घबराइए मत, सबसे अगर एक ही वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाए आपका। तो लास्ट आपका जब भी कोई पार्टी आपको जैसे मान लीजिए कि आपने एग्जांपल मैं बिल और बिल बना रहा हूँ मान लीजिए एंड नीलकंठ का मैं खन्ना इलेक्ट्रॉनिक को ये जो मैं माल बेच रहा हूँ एक बिल इनको और बना रहा हूँ शर्ट, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे बिल नंबर सेल बिल नंबर 7 के नाम से मैंने इनको बिल बनाया 007 ये बिल बनाया नया स्टूडेंट, ठीक है। इसमें मैंने एक ही आइटम ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए मैंने इनको ये 10 पीस 25,000 के हिसाब से डाल दिया, 2,50,000 का इनका बिल है स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं पीछे बैंक स्पेस से डाल के यहाँ 2,50,000 रुपये यहाँ डाल देता हूँ, इसको सेव करा लेता हूँ ये, ठीक है। तो अब ये मान लीजिए पैसा मुझे मिल रहा है, F6 करेंगे, F6 में आप केस में करेंगे खन्ना में। तो जब भी स्टूडेंट अगर आप जैसे ये एडजस्टमेंट का मतलब होता है पुराने जब भी पूरे किसी बिल का पैसा मिल रहा है या उस बिल का आधा पैसा मिल रहा है फिर भी एडजस्टमेंट आप करेंगे, ठीक है। अगर पूरा मिल रहा है फिर भी एडजस्टमेंट करेंगे। अगर कई सारे बिल हैं जब हमें पता नहीं है कि सामने वाला कौन से बिल का पैसा दे रहा है तो उसको आप किस में करेंगे, ऑन अकाउंट में करेंगे। जब भी ध्यान से फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपको पता ना हो कि कौन से बिल का मुझे पैसा प्राप्त हो रहा है तो आप क्या करेंगे उसको ऑन अकाउंट में जमा कर लेंगे। जैसे मुझे हम एग्जांपल तौर पे मुझे नहीं पता है क्योंकि किस बिल का पैसा मिल रहा है, जैसे मुझे 50,000 दे दिया उसने तो 50,000 मैं ऑन अकाउंट में करके रिसीव कर लेता हूँ ये इंटर। फिर मान लीजिए फिर बिल दिया एंड ऑन अकाउंट डाल दिया, मान लीजिए फिर उसने मुझे 1,00,000 रुपये दे दिया और इंटर कर दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट ये ऑन अकाउंट में आप डाल देंगे, ऑन अकाउंट का मतलब होता है जिस हमें पता ना हो कि कौन सा बिल का सामने वाला पैसा भुगतान कर रहा है, ये आपके लिए ऑन अकाउंट के लिए इसीलिए बिल बना होता है, ओके। एंड इसको आपने सेव करा लिया। लास्ट मान लीजिए कि जो रेफरेंस बचा अमाउंट उसको DAL करके आपने खन्ना इलेक्ट्रॉनिक का हिसाब देख लिया तो उसको देखिएगा 1,00,000 रुपये यहाँ पे बचे, जो 2,50,000 का पेमेंट था उसमें 1,50,000 1,00,000 रुपये दे दिया, 1,00,000 रुपये उसका बचा हुआ है। अब मान लीजिए 1,00,000 रुपये उसने भी लास्ट आपको पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो मैंने ऑन अकाउंट में 1,00,000 रुपये और जमा कर लिया जिससे हमारा उनका खन्ना का हिसाब खत्म हो चुका है, ओके। अब अकाउंट अगर स्टूडेंट आप देखेंगे तो दोनों का हिसाब आपका नील हो चुका है। अगर आप खन्ना देखेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे 1,00,000 रुपये जो रेफरेंस था मैंने यहाँ 2,00,000 था, 1,00,000 रुपये और जो रिसीव किया है कहाँ चला गया, देखिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा, फिर से रिसीव करते हैं वापस एंड रिसीव खन्ना इंटर
ऑन अकाउंट 1 लाख रुपए, एंटर करिएगा, एंटर एंड सेव करा लीजिएगा। देखिए अब अकाउंट्स अगर आप देखते हैं स्टूडेंट, तो आपका सारा बैलेंस नील हो जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन हमारा नहीं है। यानी 2 लाख में एक तीन खाते आपके ऑन अकाउंट में चले गए, 50,000 का, 1 लाख का, 1 लाख का। अभी अगर अकाउंट देखिए तो नील दिखा रहा है, लेकिन अल्टर भी करेंगे तो बिल स्टेटमेंट आपका जस का सर दिखाई देगा। तो स्टूडेंट इस केस में क्या करना होगा, तो जितने आपके बिल है ये बिल आपको नील करना होगा, वहां पर एंटर करेगा और जितने भी जैसे जैसे किस्त आया उसी किस्त पे एंटर करके आप एंटर करते जाएगा, उसको एडजस्टमेंट करेगा। यानी पहला किस्त 50,000 का था तो 50,000 का एडजस्टमेंट उस बिल पर कर लीजिएगा, एंटर करके सेव करा लीजिएगा, वो नील हो जाएगा वहां से आपका। ठीक है, देखिए अब 2 किस्त यहाँ से खत्म हो गया स्टूडेंट, देख रहे हैं। अब तीसरा किस्त इसको भी खत्म करना है, तो एंटर करते जाइएगा, एडजस्टमेंट यहाँ पे 1 लाख रुपये डाल दीजिएगा, तो ये आखिरी बिल भी हमारा खत्म हो जाएगा। यानी ये पहले एक किस्त और खत्म हो गया, तो देख रहे हैं अब यहाँ पे हमारा एक ही किस्त बचा हुआ। जैसे ही एक किस्त आपका एडजस्टमेंट करेंगे हमारा ये भी खाता नील हो जाएगा। यानी देखिए अब इस पर लास्ट करते जा रहे हैं और एडजस्टमेंट कर दिया, अब हमारा खाता नील हो गया स्टूडेंट। ये देखिए यहाँ पे बिल भी खत्म हो गया और हिसाब भी खत्म हो गया। तो ऐसे ही स्टूडेंट बिल बाई मेंटेन करने का ये सही तरीका होता है। आशा है स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि मेंटेन बिल बाई डिटेल का यूज टैली में कैसे किया जाता है और इस फंक्शन का यूज कैसे आपको करना है। तो हर वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो जो आपके आगे आने वाला है उसका नाम है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इंटरेस्ट कैसे चार्ज किया जाता है टैली में और उसकी एंट्री टैली में कैसे पास की जाती है। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स जरूर किया कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए नमस्कार।